ये बन आपका बॉय आज जा रहा है लाहौर और 12 दिन के बाद लाहौर ट्रैवल करने का मतलब है दिल इज हैप्पी। तो नीचे टैक्सी इंतजार कर रही है, टैक्सी नहीं इट्स अ कैब जो कि एक वन ऑफ द ऑनलाइन थिंग से ऑर्डर की है, ऑर्डर तो नहीं मंगवाई है एक्चुअली, एंड उसका जो खर्चा आ रहा है तकरीबन 75 pounds है, 75 pounds फ्रॉम समवेयर क्लोज टू एजवे रोड टू टर्मिनल 3 हीथ्रो एयरपोर्ट। इस दा जो स्पेन का ट्रिप था ना माशाल्लाह इट वेंट वेरी वेल, एक्चुअली बहुत एंजॉय किया है। अच्छा बात एक मेरी सुनो, अगर आप लोगों को है ना कि बाल मेरी तरह ना उड़ें तो भाई एक काम करो, लंदन अगर आए हो ना तो यहाँ से शैम्पू ज़रूर ख़रीद लेना, एक ओरिजिनल है, दूसरी बुरी चीज़ जो है महंगे, बट ओरिजिनल तो एटलीस्ट हैं। पाकिस्तान में जो ओरिजिनल मिलते हैं दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव और मोस्टली जाली मिलते हैं, तो अभी शैम्पूज लेने जाओ। ओए ये यहाँ भी आ गई हैं यार। अगर किसी को मेरे जर्मनी वाले ब्लॉग्स याद हों कि बर्लिन हम गए थे तो वहाँ हमने ये वाली लाइन की साइकिल चलाई थी, तो भाई इधर भी वही सीन है, ऐप डाउनलोड करो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालो और जहाँ मर्जी जाओ इसको बस आपने करना है स्कैन करना है और ये अनलॉक हो जाएगी, GPS कनेक्टेड है और फिर जहाँ मर्जी जाओ फुटपाथ पर छोड़ो, लॉक करो और दैट्स इट, पैसे ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी कन्वीनियंट, लेकिन एक ही सूरत में अगर आप बॉयज ओनली हो। इससे पहले गाड़ी के अंदर बैठूं आई नीड टू पिक अप, मुझे याद आया मैंने ड्राई क्लीनर के लिए कोड दिया था, सो आई क्विकली नीड टू गो, सिर्फ वो सामने तक है उस दुकान तक आई नीड टू क्विकली गो एंड पिक अप, भूल गया था ऑलमोस्ट, गुड दैट आई रिमेम्बर्ड नाउ। हेलो आई नीड टू पिक अप दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बाबा। शुक्र है याद आ गया वरना ठुक गई थी भाई को। बाय द वे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, आई एम वेरी बैड एट पैकिंग, और ये चेक करो ओनली इन लंदन, काश मेरे पास पाकिस्तान में होती। ऑनेस्टली दैट वॉज अ काइंड ऑफ अ जोक कि मेरे पास काश पाकिस्तान में होती है, अल्लाह का शुक्र है जो भी है जितना भी है बस शुक्र अदा करता हूँ और करना चाहिए हर एक को अपनी कैपेसिटी में, बिल्कुल करना चाहिए। पहुंच गए हैं हीथ्रो एयरपोर्ट, 45 minutes लगे हैं, आज कोई रश नहीं था इस टाइम पे, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप कैब सर्विसेज किसी भी किस्म की इस्तेमाल कर रहे हो या बस की सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 hour 15 minutes का मार्जिन रखो, थोड़ा सा भी रश मिल जाए तो काफ़ी ट्रैफिक या कुछ भी मिल जाए तो टाइम लग जाता है, अगर आप ट्रेन की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो फिर चल है, क्योंकि ट्रेन की सर्विसेज अंडरग्राउंड अवेलेबल हैं जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट पे आती हैं। फिलहाल मैं अंदर चेक इन मारूं और फिर आपको दिखाता हूं बिजनेस क्लास लाउंज, और दो ही बिजनेस क्लास लाउंज जो है काफ़ी एयरलाइंस और भी यूज़ करती हैं, इट्स अ कम्बाइंड थिंग।
आपको पता है मैंने क्या कहना था, छोड़ो आप तो पता लग गया होगा। ड्यूटी फ्री इज़ अ बीमारी जिससे अल्लाह ही बचाए। फिलहाल जा रहा हूँ लाउंज की तरफ क्योंकि पेट बहुत इस वक्त आवाज़ें दे रहा पूरी तरह। व्हाट अ व्यू, कसम से मज़ा आ जाता है। इधर सारे पैसे हैं इसके। चक्कर ये है कि ये लाउंज के अंदर ना आपको ये मेन्यू देते हैं जिसमें से आप दो चीज़ें दी हुई हैं जिनमें से एक चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हो। एक बेकन है, दूसरा फिश है। तो भाई तो मुसलमान है तो फिश ही खाएंगे ना। इतना बुरा नहीं है बिजनेस लाउंज, अपना शावर एरिया, लाइब्रेरी है, टॉयलेट्स बहुत अच्छे हैं और स्पा भी है। मुझे यहाँ घंटों घंटे बिठाते रहो ना और ये साइड दिखाते रहो तो मैं हंसी खुशी भूख काट के और इन्जॉय करूँ। प्लेन्स मेरा पहला लव है, अगर घर वाले थोड़ा सा पुश करते तो पायलट बन जाता था लास्ट एंड ए गुड वन बाय द वे। टाइम टू लीव। पता नहीं पी आई ए गेट हमेशा इतनी दूर वाला चूज़ क्यों करता है। मे बी इट्स चीपर या आई डोंट नो, कोई पॉलिसी है हीथरो की रैंडम देनी होती है। लेकिन जब भी मैंने हीथरो पे ट्रैवल किया थ्रू पी आई है तो 32, 31, 30 गेट नंबर ये होता है जिसकी वजह से काफ़ी वॉक करनी पड़ जाती है। लेकिन अच्छा है अभी कुछ खाया हुआ है, थोड़ा हजम हो जाए। आपको पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस और नट्स दिए जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि लंदन से लाहौर जो है पहले से बहुत बेहतर खाना है इन कंपैरिजन टू लाहौर टू लंदन। तो एक छोटा सा रिव्यू मस्ट है। द गुड थिंग इज ये सारी रो देख रहे हो सबकी सब खाली है। मुझे नहीं लगता कोई आके बैठने वाला है, पीछे और दो फ्री भी है। दिस इज़ बिकॉज एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की वजह से, वरना पहले ये फ्री में जा रही होती थी, अब थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दो। ये थोड़ी देर सोया, भूख लगी हुई थी तो थैंक गॉड ये खाना सर्व करने लगे। और मैंने पहले कहा था रिव्यू करूँगा बिकॉज सुनी है कि यहाँ से खाने बेहतर होते हैं।
अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा सेफली कह सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ऑन पी आई है दिस टाइम अराउंड इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। जिस तरह मुझे पता लगा था कि जी खाना जो लंदन से फ्लाइट लाहौर जा रही होती है उसमें खाना बहुत अच्छा होता है, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि खाना बहुत अच्छा है। और मैं याद होगा पिछले ब्लॉग में जब मैं आ रहा था लाहौर से लंदन, मैंने आपसे कहा था कि मटन की कोई डिश नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही पी आई ये क्या करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ से जो फ़्लाइट जा रही है उसमें दो मटन की डिशेज हैं और खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी वर ऑफर्ड। तो बल्कि एक स्टाफ मेंबर से भी पूछा कि ये क्या चक्कर क्या है कि आते हुए क्रॉकरी और कटलरी जो थी वो बहुत हल्की थी, प्लास्टिक वाली आपको कटलरी दी गई थी, इधर से वापस जाते हुए स्टील की दी जा रही है। तो कहती है हमें खुद नहीं समझ आया, कल हम कराची से फ्लाई करके आए थे तो हम तो स्टील की लेकर आए थे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और वो खुद भी सरप्राइज होते हैं कि जब यार हम लंदन से वापस आ रहे होते हैं प्रेजेंटेशन खाने की, खाना हर चीज़ टॉप क्लास होता है, लेकिन जब हम अपने मुल्क से आ रहे होते हैं तो समझ नहीं आती जिसका खाना है वो ही इतना बुरा क्यों होता है। तो फिलहाल मैं सोने जा रहा हूँ, खाना फिट था, A1 था, हाईली रिकमेंडेड था। आई होप कि इसी तरह इंशाल्लाह होता रहे। तो भाई मैं पी आई ए को क्यों बुरा भला कहूँगा, नींद पूरी। कि ये मुझे कंप्लेन भी है, अब लकली था मेरी सीट ठीक है, लेकिन जो साफ सीट्स है ना आसपास उनकी कंडीशन बहुत बुरी है, लेदर उड़ा हुआ है, किसी के बटन उड़े हैं, किसी के यू नो दो थिंग्स। ये आइए इतनी बड़ी वॉच है भाई, इस पर इतने पैसे नहीं लगेंगे। आई नो एंटरटेनमेंट सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड पर खर्च आता है, प्लीज़ इनको तो देख लो यार, इट ओनली विल इम्प्रूव इन सेल्स एंड द प्यू जो पी आई ए की एक ज़माने में बहुत अलग थी। पी आई ए को एक चीज़ ठीक करनी पड़ेगी कि तो ये क्रॉसॉन जो है ना थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, अनलाइक ये बहुत ही ज़रा घुसा वसा है। तो भाई एज यू कैन सी मैं अपने घर में पहुंच चुका हूं, बेड की बड़ी याद आ रही थी और थकावट फुल टाइम हो चुकी भी है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं बाय सेइंग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर के सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक दबाओ, कमेंट छोड़ो और शेयर करना वीडियो को मत भूलना। लाइक ऑलवेज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट।